हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। तो आज की वीडियो है, इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। मेरे को लगा यार एक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको डिज़ाइन मेथड एंड टॉक्सी मेथड के बीच में। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट डिज़ाइन मेथड क्या होते हैं और टॉक्सी मेथड। टॉक्सी मेथड को एक तरह से दूसरा टागुची मेथड। टागुची मेथड का दूसरा नाम होता है रोबस्ट डिज़ाइन मेथड। तो इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, ऐसी डिज़ाइन करोगे आप प्रोडक्ट की जिसके अंदर मतलब अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे भी वो काम कर जाए। डेट इज योर टागुची मेथड। डिज़ाइन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल स्टैंड अलोन टूल होता है, ठीक है। ये बेसिकली ले ने एक्सप्लेन किया था और एक मेथोलॉजी थी कि आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो, सिस्टमेटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स टू एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेसिकली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ टेस्ट डिजाइन इन विच पावरफुल वेरी द इनपुट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट टू एग्जामिन द रीजन्स ऑफ द वेरिएशन इन द आउटपुट रेस्पॉन्स। यानी कुल मिला के आप एक तरह से एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप इनपुट के अंदर अगर वेरिफिकेशन करते हो किसी में, तो आप आराम से आउटपुट के अंदर जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसको एग्जामिन कर पाओगे। यानी कि यहाँ से आप इनपुट के अंदर वेरिफिकेशन करोगे अलग अलग, तो उस साइड आउटपुट में आपको रेस्पॉन्स दिख जाएगा, ठीक है। ये रेस्पॉन्स है, ठीक है, रेस्पॉन्स है रीजन ऑफ द, ठीक है, हाँ सही है। तो ये पहले आपके बहुत पहले यूज किया जाता था, 20th सेंचुरी की बात है। अब इसको कोई यूज ज़्यादा यूज नहीं करता है। एंड लाइक आपने देखा होगा सिक्स सिग्मा, तो उस केस में इसको यूज किया जाता था, अब नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम करते हैं। कोई स्पेसिफिक केस के अंदर करते हैं, लाइक जब आपके पास बहुत कम रिसोर्स हो और एक गुड अमाउंट ऑफ डेटा आपको निकालना है, तब आप उस केस में इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, सिस्टमेटिक वे टू एस्टीमेट द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोसेस फैक्टर, यानी कि लाइक इनपुट फैक्टर और आउटपुट फैक्टर में किस तरह से आपकी इंट्रैक्शन बन रही, तो वो आप ओपनली देख पा रहे हो इन डी डिजाइन मेथड, ठीक है। एंड एस्टिमेट्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर्स ऑन द रेस्पॉन्स आर मोर प्रिसाइज। तो सभी फैक्टर्स का आपको देखने को मिलता है, जबकि टागुची में अपन क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को तो हटा ही देते हैं जिनका अपन को यूज ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने ऐसा अपन कई बार कर चुके, तो दिस इज द थिंग। तो अपन ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो वी यूज द नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल अबाउट द सिस्टम और प्रोसेस पैरामीटर फॉर एफिशिएंट एक्सपेरिमेंटेशन। आप टागुची की जो डेफिनेशन है जो मैंने बताई थी आपको, कि जो वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर पा रहा है, ठीक है, तो ताकि अपन एक ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ले सके किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस की, तो टागुची मेथड यूज करते हैं। तो वी कैन स्किप ऑल द एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेट माइट हैव गोन इन टू द इन्वेस्टिगेशन इंट्रैक्शन बाई विच वी कैन डिक्रीज इन टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं क्योंकि अपन डायरेक्टली टागुची मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई। तो इसके अंदर दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज योर नॉइस फैक्टर। तो आपका यहाँ पर ये तो कंट्रोलेबल होता है, बट दिस इज नॉट कंट्रोलेबल, इट इज़ ए अनकंट्रोलेबल। तो एडवांटेज देख लेते हैं गाइस टागुची मेथड की। तो टागुची मेथड की सबसे पहले तो है फाउंडेशन ऑफ डीओपी इन टागुची मेथड इज ऑर्थोगोनल एरे डिजाइन। दैट इज वेरी सिंपल मेथड फॉर एनालाइजिंग द आउटपुट। आउटपुट को एनालाइज करने के लिए ऑर्थोगोनल एरे डिजाइन इज गुड, ओके। एंड द की स्टेप ऑफ द टागुची मेथड इज टू इंक्रीजिंग द क्वालिटी लेवल विद द लेसर इफेक्टिंग ऑफ द कॉस्ट फैक्टर। यानी कॉस्ट फैक्टर को आप कम से कम यूज करके, कम से कम अफेक्ट करके आप डायरेक्टली इसमें क्वालिटी लेवल इंक्रीज कर पा रहे हो, दैट इज द गुड थिंग। क्योंकि यहाँ पर मनी सबसे इम्पोर्टेंट कर जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो देखो, TM प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल सेटिंग्स फॉर द प्रोसेसेस विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड दीज सेटिंग्स अटेन फ्रॉम द TM आर ऑल्सो इनसेंसिटिव टू द वेरीफिकेशन ऑफ द नॉइस इन वेरिएशन ऑफ द नॉइस फैक्टर्स। यानी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं नॉइस फैक्टर, इसलिए एट द एंड वी कैन से टागुची मेथड फिलहाल के लिए तो अपने लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप बता देना, मुझे लगा अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बता देना चाहिए। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। सो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपका सपोर्ट हमें दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच।